सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। अभी तक हमने मुत्तुलक्ष्मी के प्रारंभिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं से लेकर उनके प्रथम महिला डॉक्टर बनने के संघर्ष और सफलता के बारे में जाना, और आज हम उनके जीवन के एक अन्य पहलू के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। यह वह समय था जब हमारा देश गुलाम था और अज्ञानतावश कई कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों का शिकार था। इसी दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू और अन्य बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी भेंट हुई। विधायक के रूप में समाज सुधार के कार्य करते समय फरवरी 1929 में मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध विधान परिषद में बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन कराया, अर्थात इस बुराई का अंत किया, जड़ से उखाड़ फेंका। महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज स्कूलों में छात्र छात्राओं का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, उनका आरंभ भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही किया था। नारी शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाने, बच्चों के लिए विशेष अस्पताल खोलने और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना कराने में भी उनका विशेष योगदान रहा है। वर्ष 1930 में वाई होम जैसी ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को है। यह संस्था अनाथ बच्चों और बेसहारा बालिकाओं की देखभाल करती है। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने लंदन में वर्ष 1929 में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उनके साथ अन्य दो महिला प्रतिनिधि थी, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को जेल भेजे जाने और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में इन्होंने मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया था। वर्ष 1935 में मद्रास मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने कैंसर के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की। इस इच्छा का खुले दिल से स्वागत किया गया और वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। 18 जून 1954 को इस अस्पताल में कामकाज शुरू हो गया। आज इस विश्व प्रसिद्ध अस्पताल से प्रति वर्ष लगभग 80,000 रोगी चिकित्सा लाभ उठाते हैं। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी वर्ष 1954 से 57 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रही, चेन्नई नगर निगम की एल्डर वुमन भी रही। 22 जुलाई 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके द्वारा प्रज्वलित ज्योति के प्रकाश में आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने जाना कि अगर हमारे मन में विश्वास है और उस विश्वास को करने का हमने इरादा कर लिया है, तो कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने हो, हम उन परिस्थितियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज के पाठ में हमने इनसे ये प्रेरणा ली है कि हमें अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें उस कार्य को करने में जुट जाना चाहिए। इस तरह का वार्तालाप होने के पश्चात भव्या अपने पिताजी से कहती हैं, आप ठीक कहते हैं पापा, डॉक्टर रेड्डी जैसी महिलाएं सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी, कुछ सोचते हुए भव्या ने कहा। इस प्रकार आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों, आज के पाठ में जहाँ जहाँ भी कठिन शब्द आए हैं, आप उन्हें रेखांकित कीजिए और पाठ में आए शब्दार्थ को याद कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।